हेलो फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। जैसा कि आपने 50 क्वेश्चन देख लिए थे और आगे के 51 से लेके 100 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ अगर आप बैठेंगे तभी आप ये देख भी पाएंगे और आपको आइडिया भी मिल जाएगा। अगर आपके इस सब्जेक्ट में अगर आपका बैकलॉग है तो आपके सामने ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप MCQ बेस्ड एग्जाम जो होगा उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर की बात करेंगे। डिटेक्ट द टर्बिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0 to 1000 PPM द इंस्ट्रूमेंट यूज। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, देखिए यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब टर्बिडिटी मेजरमेंट करने के लिए हैं, लेकिन 0 to 1000 PPM मतलब PPM मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर, MG पर लीटर होता है, PPM का ये भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0 to 1000 की जब मेजरमेंट की बात आएगी तो पैलिस टर्बिडी मीटर होता है, सी ऑप्शन, ओके। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 52 नंबर की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन बाय। जो क्लोरीनेशन वाटर का होता है उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो है पोस्ट क्लोरीनेशन। पोस्ट क्लोरीनेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है। द वॉल प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट ऑफ पाइप्स टू ड्रेन ऑफ वाटर क्विकली एंड ग्रेविटी आर कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर, मतलब ऊपर जितने दिए हैं सभी राइट है। ब्लो ऑफ वॉल्स, ड्रेन वॉल्स, सीवियर वॉल्स सभी राइट हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो वॉल प्रोवाइड किया जाता है लो पॉइंट ऑफ पाइप जो ड्रेन ऑफ वाटर क्विकली अंडर ग्रेविटी होता है उसके लिए सभी ये यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस, वो किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने एक्सप्रेस आपको बताया अभी, इसके प्रीवियस पहला ही 51 भी देखे थे कि PPM में बताता था, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। MG पर लीटर भी हो सकता है ऑप्शन में, अगर MG पर लीटर है तो वो भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 55 पे। द मैक्सिमम प्रेशर टू विच अ पाइप इज सब्जेक्टेड टू ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन इज नोन एज। यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेस बात कर रहा है कि विच पाइप इज सब्जेक्टेड टू ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, तो वो क्या होता है मैक्सिमम प्रेशर, वो होता है वर्किंग प्रेशर। वर्किंग प्रेशर, ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 56 नंबर का यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। स्लुइस वॉल्स इन मेन वाटर सप्लाई, तो वो होता है जो यूज होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो राइट है, तो इसका मतलब ऊपर जितने दिए हैं सभी वो राइट ही हैं। जैसे आर यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, आर स्पेस अबाउट 5 किलोमीटर अपार्ट, आर यूजली प्लेस एट द समिट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 57 की बात करेंगे तो एक्यूडक्स आर जनरली डिजाइन, एक्यूडक्स जो होता है वो जनरली डिजाइन होता है किस पे होता है, तो सर्कुलर पे भी होता है, रेक्टेंगुलर पे भी होता है, हॉर्स शू सेक्शन पे भी होता है। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर की देखिए। कार्बोनेट्स इन वाटर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, तो हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन सा हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट, कार्बोनेट जो प्रोड्यूस करता है वाटर में वो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एलम इज ए केमिकली, तो ये कोगुलेशन में यूज किया जाता है, ठीक है, कोगुलेशन में यूज किया जाता है। एलम इज केमिकली ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट होता है, एलम का जो केमिकल होता है उसका केमिकल नेम है एल्युमिनियम सल्फेट। ये चीज़ें ध्यान में रखें। सेडिमेंटेशन में कोगुलेंट के रूप में एलम का यूज किया जाता है, इसके प्रीवियस में आप ये भी पढ़ चुके हैं। स्टील पाइप्स आर, स्टील पाइप्स होता है वो किस तरीके का होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट देख सकते हैं। लाइकली टू लास्ट 100 ईयर्स अंडर ऑर्डनरी कंडीशन, ठीक है। बाकी सभी यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के, सूटेबल फॉर स्टैंडिंग हाई इंटरनल प्रेशर भी नहीं है, कनेक्टेड बाय रिवेट और वेल्डेड जॉइंट नहीं, जनरली लेड अंडर ग्राउंड एंड नो एक्सपांशन जॉइंट इज रिक्वायर्ड। ये एक्सपांशन जॉइंट रिक्वायर्ड होता है लेकिन ये चीज़ें नहीं दी हुई है, इसलिए बाकी सब रॉन्ग हैं और ये राइट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 भी देख सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिक्वायर्ड टू प्राइम बिफोर स्टार्टिंग इफ इट इज लोकेटेड, तो लोकेटेड होता है एट हायर लेवल देन वाटर लेवल ऑफ रिजर्वायर, दिस इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस को अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो क्या कह रहा है।
नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट फॉर सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कॉकुलेंट इन लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर जनरली रेंज बिटवीन, जनरली जो उनका रेंज है वो किसके किसके बिटवीन है, तो 1000 से लेके 1250 तक का है। डी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ओके 63 बोल रहा है केमिकल कॉकुलेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन, किस लिए होता है, किस लिए करते हैं, टू सेटल सस्पेंडेड पार्ट मटेरियल या टू इंक्रीज रेट ऑफ सेटलमेंट टू ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। सही बात है, एलम जो यूज किया जाता है कॉकुलेंट में, इसका वर्क यही होता है कि वो क्या कर देता है, सस्पेंडेड जो मटेरियल है उसको सेटल होने का रेट इंक्रीज कर देता है, फटाफट सेटल होने लगेंगे, ठीक है, इंक्रीज करने का काम करता है वो, सेटल मटेरियल करने का काम नहीं करता है, वो इंक्रीज कर देगा कि वो जल्दी से सेटल हो जाए, मतलब उसकी वो वेट बढ़ा देता है। 64 की बात करें मैन होल्स आर लेस कॉमन इन तो ये किस में होता है, कास्ट आयरन पाइप में। ओके आगे बढ़ते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप एयर वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट, इन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे पाइप में तो जो एयर वॉल्स होते हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं हायर पॉइंट पे, कहाँ पे होते हैं, हायर पॉइंट पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एस्बेस्टॉस पाइप्स आर जॉइंट बाय मींस ऑफ, सिंप्लेक्स जॉइंट होता है, ठीक है सिंप्लेक्स जॉइंट होता है। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर डज नॉट रिमूव, क्या रिमूव नहीं करता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करता है, बाकी सबको रिमूव कर देता है, अमोनिया कंटेंट BOD ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ये सबको रिमूव कर देता है, ठीक है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसको रिमूव नहीं करता है, ठीक है याद कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इन अ वेल प्लान्ड सिटी, अगर अच्छी तरीके से प्लान किया गया है कोई सिटी, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जनरली अडॉप्टेड इज, ग्रिड आयरन सिस्टम, इंटरलेस सिस्टम या रेक्टिकुलम सिस्टम, तो यहाँ पर सभी ऊपर के राइट हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट। ओके आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से इसको करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। एयर वॉल्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन प्रेशर पाइप ऑफ वाटर सप्लाई, तो वो है एट समिट्स, ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड करके आ गया है, नीचे भी देख सकते हैं एट समिट पे। 70 नंबर की क्वेश्चन की बात करें बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन आर नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है तो उसको बोला जाता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है, जो सर्वाइव कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ भी और बिना ऑक्सीजन के साथ भी, तो उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। जो ऑक्सीजन के साथ वाले रहते हैं उसको एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन के बिना वाले रहते हैं उसको एनारोबिक, और जो रहे या न रहे दोनों में होता है तो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मैक्सिमम परमिसिबल कलर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई बेस ऑन कोबाल्ट स्केल, तो वो कितना होता है, 20 PPM होता है, 20 mg पर लीटर भी लिखा हो तो भी राइट होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 72 क्या कह रहा है, द जॉइंट यूज फॉर जॉइनिंग द प्लेन एंड ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज, तो वो होता है ट्रेसर कपलिंग जॉइंट इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पाइप्स आर लेड पैरलर, तो पैरलर क्यों, मतलब लेड किया जाता है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई, टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ रिपेयर विदाउट क्लोजिंग वाटर सप्लाई या टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेसिव सप्लाई, तो सभी राइट हैं, ठीक है इनका मेन पर्पज यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 135 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन, कहाँ पर ये मतलब है, तो चाहे वो ये रिपीटेड है, ठीक है ये भी रिपीटेड है, ऑल ऑफ द यू राइट है, मतलब नर्स होम्स हो चाहे हॉस्टल हो चाहे रेजिडेंशियल स्कूल हो, ये क्राइटेरिया सभी के लिए हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। यस यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट मे नॉट कंटेन मच इम्प्योरिटी इफ इट इज सोर्स इज रिजर्वियर स्ट्रीम फॉलोइंग इन प्लेन लेक्स इन लोअर रीजन स्प्रिंग अलोंग हिल स्टॉप, तो ये डी वाला राइट है। ओके डी ऑप्शन इज द राइट।
आगे बढ़ते हैं। द वॉल फिटेड क्लोजली इन अ रिसेस अगेंस्ट एन ओपनिंग इन ए पाइप इज जनरली वेज शेप सर्कुलर डिस्क हो तो, वेज शेप सर्कुलर डिस्क हो तो। नेक्स्ट 77 की अगर बात करेंगे तो बाय एडिंग 1 ml ऑफ ऑर्थोटोलाइडाइन सॉल्यूशन 200 ml क्लोरिनेटेड वाटर टेकन आफ्टर कॉन्टैक्ट पीरियड द रेसिड्यूअल क्लोरीन मेक्स द कलर ऑफ सॉल्यूशन। किस तरीके का कलर होता है तो आप देख सकते हैं एलोइश कलर। ओके एलोइश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 78 क्या कह रहा है। प्रेशर रिलीफ वॉल्स आर प्रोवाइडेड इन वाटर मेंस। प्रेशर रिलीफ वॉल जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है वाटर मेंस में, किस लिए? टू रिड्यूस द प्रेशर यस, एट लो पॉइंट यस, अपस्ट्रीम ऑफ स्लूज यस। सभी राइट है, डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं ऑल ऑफ द एबो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर क्यों लेकर बता रहा हूँ तो मैं ये चीज़ें भी बता देता हूँ कि ताकि आपको पहले से ही कई सारी चीज़ें क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये जो ऑल ऑफ द एबो वाले क्वेश्चन है इसके 4 डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले से आइडियाज यहाँ पर मिल सकता है। ऑल ऑफ द एबो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो करेक्ट आंसर है वो याद करने की ज़रूरत है। ओके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है प्लेन क्लोरीनेशन इज यूज फॉर वाटर। किस तरीके का वाटर को? तो विद टर्बिडिटी लेस देन 20 mg हो पर लीटर, या ऑप्टेन फ्रॉम क्लियर लेक हो, या तो कंज्यूम ड्यूरिंग एमरजेंसी हो, तो इन सभी के लिए राइट है ये। 80 नंबर में बोल रहा है कि फॉर कंट्रोलिंग एल्गी द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल, तो कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या एल्गी जो है उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। रैपिड सेंट फिल्टर की बात कर रहा है तो ये क्या है? शुड बी प्रोसीडेड बाय कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सही है। यूजेज रैपिड सैंड एज फिल्टर मीडिया, नहीं। ये यूज आफ्टर स्लो सैंड फिल्टर हैज बीन डन, नहीं। कैन कंबाइन डिसइंफेक्शन आल्सो, नहीं। 82 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो है, कास्ट आयरन पाइप के लिए है। आर वाइडली यूज इन सिटी वाटर सप्लाई, सही बात है। रेजिस्ट कोरोजन सेटिस्फैक्टरीली, सही है। मे लास्ट फॉर 100 ईयर्स, सही बात है। कास्ट आयरन के लिए ये सभी करेक्ट आंसर हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला है। डी क्लोरिनेशन इज फॉलोड बाई, डी क्लोरिनेशन फॉलो करता है किस बेस पे? पोस्ट क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन एंड सुपर क्लोरिनेशन। किस पे? सुपर क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन जो होता है वो फॉलो होता है सुपर क्लोरिनेशन पे। 84 कह रहा है द बेड स्लोप इन स्लो सैंड फिल्टर इज जनरली कैप्ड। जो बेड स्लोप होता है स्लो सैंड फिल्टर के लिए में इज जनरली कैप्ड, कितना होता है? 1 in 100। सी ऑप्शन देख सकते हैं, 1 in 100। 85 में बोला है व्हेन ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आर अडॉप्टेड द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेयर इज एलिवेटेड टैंक। एलिवेटेड टैंक। ओके नेक्स्ट देख सकते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन। द एवरेज डोमेस्टिक कंजप्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन एन इंडियन सिटी पर डे पर वीक पर्सन इज 135 लीटर। ये तो ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है। ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो एट ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरीनेशन, डी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, रेसिड्यूअल क्लोरीन रीअपीयर्स। ओके 88 की अगर बात करें एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम रॉ वाटर बाय अ स्लो सैंड फिल्टर इज 98 to 99%। 98 से लेके 99% तक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 89 की अगर बात है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर से इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो हमने क्या कर देना है, सिलेक्ट करना है। तो कौन सा है? द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इंडिकेट द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन वाटर, ये भी सही है। ठीक है,
हायर वैल्यू ऑफ पीएच मींस लोअर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है। ओएच आयन इंक्रीज करता है और हाइड्रोजन आयन डिक्रीज करता है, जब पीएच वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। लोअर वैल्यू ऑफ पीएच मींस हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है। लोअर वैल्यू ऑफ पीएच कीप्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, नहीं, लोअर वैल्यू एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, हायर वैल्यू बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, राइट है, क्योंकि इनकरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोला है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 90 नंबर में बोला, फॉर कंप्लीट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन पॉल्यूटेड वाटर इट टेक्स, कितना दिन लगा, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, तो यहाँ पर 30 डेज, ठीक है। कंप्लीट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन पॉल्यूटेड वाटर में वो कितना समय लेगा, 30 डेज लेगा। 91 की अगर बात करेंगे तो सक्शन लिफ्ट ऑफ अ पम्प डिपेंड्स अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी होता है, वाटर टेम्परेचर के ऊपर भी होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सक्शन पाइप सब के ऊपर होता है, इसलिए ऑल ऑफ द वो राइट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 92 में बोला, पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन लीटर पर पर्सन पर डे, ऐसे होता है, पर पर्सन पर डे होता है, ए ऑप्शन इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। पीवीसी पाइप की बात कर रहा है, कैन विथ स्टैंड प्रेशर बेड ऑफ वाटर अप टू 100 मीटर। नेक्स्ट बोला है, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज रफली 30-35 इज द राइट आंसर। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज रफली 30-35। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ क्लोरीन विथ वाटर बिफोर इट इज सर्व टू बी फर्स्ट कंज्यूमर शुड बी एटलीस्ट, इतना तो होना चाहिए, तो 20-30 मिनट होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 96 नंबर का देखेंगे, द डायमीटर ऑफ पाइप इन बाथरूम एंड लेवेटोरीज इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज, तो कितना होना चाहिए, 12 mm। ओके, 12 mm की बात करते हैं। 97 बोल रहा है, इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशन इम्प्योरिटीज आर रिमूव अप टू, कहाँ तक कर सकते हैं, 70% तक। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, 98 की जो बात कर रहा है वो है, द वाल फिटेड क्लोजली इन अ रिसेस अगेंस्ट एन ओपनिंग इन ए पाइप इज जनरली वेज शेप सर्कुलर डिस्क, ये कई बार, ये दूसरी बार रिपीटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, ये भी देख सकते हैं। द वॉल फिटेड क्लोजली इन अ रिसेस अगेंस्ट एन ओपनिंग इन ए पाइप इज जनरली वेज शेप सर्कुलर डिस्क होता है। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे, द मैक्सिमम परमिसिबल हार्डनेस पर पब्लिक सप्लाई वो कितना होता है, तो वो आपका होता है 115 mg/L, इतना परमिसिबल होता है हार्डनेस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी रिपीटेड ही है, पहले भी इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कोरोजन ऑफ वेल पाइप्स मे नॉट बी रिड्यूस्ड बाय, क्या रिड्यूस नहीं करता है, तो रिड्यूस द ड्रॉ डाउन एंड द पंपिंग रेट, नहीं, रिड्यूसिंग द फ्लो वेलोसिटी यूजिंग थिकर पाइप या तो यूजिंग स्क्रीन हैविंग लार्जर एरिया ऑफ ओपनिंग, तो ये वाला आंसर राइट है, ठीक है, कि कोरोजन ऑफ वेल पाइप्स मे नॉट बी रिड्यूस बाय यूजिंग स्क्रीन हैविंग लार्ज एरिया ऑफ ओपनिंग, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 250 क्वेश्चंस है। सो थैंक यू।